दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे सारे BTS मेंबर्स ने जब से डेब्यू करा है, उससे पहले से भी वो सब एक साथ रहते हैं। इतने सालों से एक साथ रहते हुए वो साथ तो एक फैमिली बन चुके हैं। दोस्तों, इतने दिनों तक एक ही घर में रहना, एक साथ प्रैक्टिस करना, एक साथ बाहर जाना और अपने स्ट्रगल के दिनों में एक दूसरे का साथ देना, ये बताती है कि वो सभी एक दूसरे से कितने ज्यादा क्लोज हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज BTS मेंबर एक दूसरे के साथ एक घर में नहीं रहते, पर हमेशा ही वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों, न सिर्फ BTS मेंबर बल्कि उनके फैमिली भी आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनके पेरेंट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हैंग आउट किया करते हैं और एक साथ उनके कॉन्सर्ट को भी देखने जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सारे BTS मेंबर्स अपने फेलो BTS मेंबर्स के पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और उनसे बातें भी किया करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक बार BTS के कॉन्सर्ट के दौरान जिनके डैड को RM की एक चीज इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उन्होंने RM से वो चीज मांग ली थी। दोस्तों, BTS के लव योर सेल्फ सियोल कॉन्सर्ट के दौरान RM ने एक रेड कैप पहन रखी थी। इसके साथ ही दोस्तों, जब जिनके डैड ने RM की उस रेड कैप को देखा, तो वो कैप उनके डैड को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उस कैप को जिनके डैड ने RM से मांग ली। इसके बाद दोस्तों, RM ने उस कैप को जिनके डैड को दे दिया। इसके साथ ही दोस्तों, जिनके डैड ने कहा कि वो कैप उन्हें 3 हफ्तों के लिए चाहिए और जिन ने बताया कि उनके डैड को वही कैप चाहिए था जो RM ने पहन रखा था, उन्हें उस जैसा दिखने वाला दूसरा कैप नहीं चाहिए था। दोस्तों, इससे हम समझ सकते हैं कि सारे BTS मेंबर्स की बाकी मेंबर्स के फैमिली के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और उनके फैमिली भी सारे मेंबर्स से कितने ज्यादा क्लोज हैं। और जिनके डैड को सिर्फ RM की ही कैप चाहिए थी और RM ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने अपनी कैप को जिनके डैड को दे दिया। दोस्तों, वो सभी एक फैमिली की तरह ही रहते हैं और बाकी मेंबर्स के फैमिली को अपने पेरेंट्स के जैसे ही प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात पता थी या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसके लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।